डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने नकुड़ में इस तरीके से पार्टी को ज्वाइन किया है, लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने किराना लोकसभा में बड़ा खेला कर दिया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ तो बहुत लोग पहले भी ज्वाइन कर चुके हैं, धर्म सिंह सैनी जी भी आ चुके हैं और सभी लोगों के साथ जुड़ करके सभी लोग मिलकर के एक अच्छा परिणाम निकालने की तरफ बढ़ने का काम कर रहे हैं। प्रदीप चौधरी ननोता में कोई आपने विपक्ष नहीं छोड़ा, ननोता में इससे इतनी बड़ी यात्रा आपने निकाली, इससे कितना आप संतुष्ट है? देखिएगा, ननोता के लोगों से आसपास ननोता ही नहीं मेरा पूरा क्षेत्र के लोगों से बहुत लगाव रहता है, बहुत प्रेम मुझे क्षेत्र के लोग देने का काम करते हैं। मैं हर प्रकार के सम्मान की बात उनकी करने का काम करता रहता हूँ, किसी भी प्रकार की मैं अपनी तरफ से भेदभाव की बात नहीं करता हूँ, सभी का सम्मान मेरे लिए सर्वोपरि है और आगे भी इसी प्रकार रहेगा। इनका प्यार मुझे मिलता रहा है, आगे भी मुझे इनका प्यार मिलता रहेगा। आज ननोता में आपकी पूरी यात्रा हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिएगा, आज चुनाव का प्रचार का अंतिम दिन था, आज रोड शो का कार्यक्रम लगाया था हमारे तमाम साथियों ने मिलकर के, कितना उत्साह कितना जोश देखने को मिला है, ये सभी लोग इंतजार कर रहे हैं 19 तारीख का, जैसे 19 तारीख परसों को उनको मिलेगी और ये वोट डालने के लिए बेताबी से इंतजार कर रहे हैं 19 तारीख का, क्योंकि मोदी जी ने लक्ष्य दिया है 400 पार का। मोदी जी हमारे परिवार के मुखिया हैं, परिवार का मुखिया जब कोई जिम्मेदारी देने का काम करता है उसको पूरा करने के लिए परिवार के सदस्य अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने का काम कर रहे हैं, बहुत भागदौड़ कर करके सभी साथियों के साथ एकजुट कर करके अपने परिणाम को निकालने के प्रति सजग हैं, सतर्कता से काम कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी भी परिकार का कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ है जिसमें किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ पहुंची हो, कोई दिक्कत पहुंची हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो योजनाएं देने का काम किया है बिना भेदभाव के दिया है, अंतिम पायदान पर बैठने वाले व्यक्ति तक दिया है। अब हमारा भी फर्ज बनता है कि मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए लगे, और क्योंकि ये लक्ष्य पूरा करना हम सभी का कर्तव्य बनता है और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग लालायित हैं, बेसब्री से इंतजार करने का काम कर रहे हैं और फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे। आप लोगों ने प्रकार से बना करके रखना, 20 तारीख में आप लोगों का वोट पड़ना है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि कोई भी वोट पड़े बगैर ना रहे, अच्छे मंत्री कोई भी आदमी पीछे ना रहे, सबसे पहले वोट डाले। भाई मोदी जी ने आप लोगों को 400 पार का लक्ष्य दिया है, क्योंकि मोदी जी हमारे परिवार के मुखिया हैं। जब परिवार का मुखिया कोई जिम्मेदारी देता है, परिवार के सदस्यों का फर्ज बनता है उसको बढ़िया तरीके से पूरा करने के लिए, किसी भी प्रकार की कोई भी बात मन में न रख कर सारे गिले चुके भूल करके देश के लिए काम करना है, अपनी सुरक्षा के लिए काम करना है, देश के भले के लिए काम करना है, देश की तरक्की के लिए काम करना है, देश की आर्थिक तंत्र के लिए काम करना है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करना है, किसानों की सुरक्षा के लिए काम करना है, नौजवानों की। प्रदीप चौधरी, भाई प्रदीप चौधरी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।